الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو صليتم على حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار فما ينفعكم إلا بالورع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أن أبي موسى أشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال لكل شيء حد وحدود الإسلام الورع والتواضع والشكر والصبر فالورع ملاك الأمور والتواضع براءة من الكبر والصبر النجاة من النار والشكر الفوز بالجنة. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین پردہ نشین محترم خواتین اللہ جل شانہ نے انسان کی تربیت کا دو طرح کا نظام بنایا ہے ایک نظام ازلی و ابدی ایک نظام وقتی و عارضی ابدی و ازلی نظام یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو تمام امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تمام نبیوں کو اللہ نے عطا کیا تمام نبیوں کے مقربین ملحقین متوسلین معتقدین اور حواریین یہ سب کے سب اس نظام کے تحت تربیت پائے ایک وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے خاطر عطا فرمایا اور یہ نظام نظام خصوصی ہے اور یہ ایک وہ نظام جو عارضی نظام جو تمام امتوں کا اللہ تعالیٰ وقتی طور پر عطا کرتے رہتے ہیں وہ نظام تربیت کہلائی جاتی ہے وہ نظام تربیت میں ہر ایک بندہ جو بھی پیش کرتا ہے اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي الدَّهْرِ نَفْحَاتٌ فَتَعَرَّضُوا لَهَا اللہ کے طرف سے بندوں کے اصلاح کے لیے تربیت کے لیے فلاح کے لیے اللہ رب العزت ایک گھڑی لاتے ہیں ایک وقت لاتے ہیں حدیث پاک میں ہے جب وہ وقت آئے تو تم اپنے آپ کو پیش کر دیا کرو فتعرضوا لہا جب آپ اپنے آپ کو پیش کر دو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس تربیت والے نظام کے تحت بہت دور تک پہنچا دے گا اتنی دور تک پہنچ جاؤ گے جتنی دور پہنچنے کے لیے برسہا برس لگتے ہیں ایک زمانہ لگتا ہے ایک عرصہ لگتا ہے ایک وقفہ لگتا ہے اتنی دور پہنچنے لیکن وہ تربیتی والی نظام میں بندہ جب شامل ہو جائے گا بہت دور تک پہنچ جاتا ہے
इसी तरह रमजानुल मुबारक का उसी में से रमजानुल मुबारक का महीना भी है जो आरजी तरबियत का निजाम है। लेकिन आरजी तो है लेकिन दायमी तरबियत का निजाम, सिर्फ वक्ती तरबियत का निजाम नहीं, दायमी तरबियत का निजाम। इतना ही नहीं बल्कि इस निजाम के ताबे होकर बंदा अपनी पूरी जिंदगी की कोताहियों से बाज आकर पूरी जिंदगी की कोताहियों से मुकम्मल तौर पर तौबा और इस्तग़फ़ार फरमा कर बंदा इतनी दूर चला जाता है, इतनी दूर चला जाता है जितनी दूर बंदा दीगर जमाने में नहीं पहुंच सकता, नहीं जा सकता। इसीलिए उलमा कहते हैं कि इस सिलसिले में हर एक को कोशा होना चाहिए, या अल्लाह में जिस निजाम के साथ जुड़ा हुआ हूं, या अल्लाह उस निजाम के तहत मुझे इस तरबियत के साथ जुड़कर काम करने की तौफीक अता फरमा, मेरी भी तरबियत फरमा। बंदा जब कहता है मेरी भी तरबियत फरमा, अल्लाह ताला उसकी तरबियत फरमाते हैं। उलमा फरमाते हैं उसके अंदर तलब होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, उसके अंदर एक एतबार से, सच्चे एतबार से बंदे के अंदर अगर कुड़न हो, अल्लाह ताला उसे बहुत दूर तक पहुंचा देता है। इतनी दूर तक पहुंचा देगा जितनी दूर तक इसका इंफिरादी तौर पर पहुंचना मुमकिन नहीं था। इसीलिए कहते इस निजाम के साथ जुड़ो। अल्लाह ने दो तरह का निजाम बनाया, एक इज्तिमाई निजाम, एक इंफिरादी निजाम। और ये निजाम इज्तिमाई है, और निजाम इज्तिमाई में जो बंदा शामिल हो जाता है वो बहुत दूर तक चला जाता है, बहुत दूर तक पहुंच जाता है। तो इज्तिमाई निजाम ये रमजान मुबारक का निजाम, इंफिरादी आमाल खतरे हैं, इज्तिमाई आमाल समंदर है। किस एतबार से समंदर है? इज्तिमाई रहमतें, इज्तिमाई बरकतें, इज्तिमाई आफियतें। फतार रसूल कहा गया जब इज्तिमाई आफियतों के फैसले हो पेश कर दो, बहुत दूर तक वो चीज तुम्हें लेकर चली जाएगी। जब अल्लाह की तरफ से कबूलियत की घड़ी आए पेश कर दो, कबूल हो जाओगे। अल्लाह की तरफ से अपनाइयत की घड़ी आए फौरन पेश कर दो, अल्लाह के यहाँ अपने बन जाओगे। जिस वक्त अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू ऐलान आम करे खड़े हो जाओ, अल्लाह के यहाँ बख्शे बख्शाए हो जाओगे। जैसे हशर के मैदान में बहाने बहाने पर अल्लाह ताला बख्शिश कर देगा, जैसे बाज उलमा कहते हैं अल्लाह ताला पूछेगा या मोहम्मद, इसकी तो कोई मुस्तनद रिवायत तो नहीं है लेकिन उलमा कहते हैं, और कुछ उलमा इकराम ने इसको हदीस भी बताया, लेकिन रिवायतों में तो इतनी सनद के साथ इतनी, बाद लोगों ने इसको मौजूआत में भी शामिल किया है, लेकिन इसको बहाने के तौर पर बयान करते हैं कि अल्लाह के यहाँ बहाने कैसे कैसे बहाने चल जाते हैं। या मोहम्मद अल्लाह ताला पुकारेगा, जिन जिन के नामों के साथ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, जिनको मोहम्मद पुकारने से तवज्जो देने की आदत थी, वो उनको कहा जाए या मोहम्मद तो वो फौरन पलट कर देखता था, इसलिए कि ये इस मोहम्मद मेरा भी नाम का जुज है, जिसे नाम के साथ मोहम्मद जोड़ दिया गया। अब वो बेचारे सब खड़े हो जाएंगे जिन जिन का नाम मोहम्मद था, तो परवरदिगार आलम सिर्फ इस बहाने पर उसकी मगफरत कर देगा, चल भाई तू तेरा नाम मेरे हबीब का नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, तूने उनकी शक्ल इख्तियार की। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की नक्काली उतारने वाले जादूगर सब के सब मूसा अलैहिस्सलाम के लिबास में मलबूस होकर आए थे, असल उनका मलबूस होकर आना इताअत के तौर पर नहीं, मजाक के तौर पर, इस्तेहजा के तौर पर, उनका इस्तेहजा के तौर पर वो लोग चलो भाई जरा दिल्लगी होगी, जरा तजहिया होगा, मजाहिया होगा, इसके लिए क्या करें, चलो जाकर मजाहिया तौर पर
उनका लिबास इख्तियार करके चले जाते हैं ताकि वो जो दावेदार हैं उसी तरह की दावेदारी हमें करने में भी आसानी हो। अगर वो दावेदारी का ये मखसूस लिबास है, चलो हम भी उसी लिबास में मलबूस हैं। अब बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? लाठी की लाठी को अगर सांप बनाते हो तो हम भी रस्सियों को सांप बनाते हैं। तो इस एतबार से उन लोगों ने ये हरकत की, लेकिन परवरदिगार को वो हरकत पसंद आ गई। हुआ क्या, अल्लाह ताला ने हिदायत का सबब बना दिया, हिदायत का रास्ता बना दिया, हिदायत का बहाना बना दिया। रहमत खुदावंद बहाना में जो ये तान गिरियत को देखे हलवा फरोश, जैसे हजरत शेख सादी ने वाकया नकल फरमाया, अरे वो हलवा फरोश का बेटा, हलवा फरोश अगर न रोता अल्लाह ताला की रहमत को जोश कहां से आता? वो छोटा सा बच्चा जब लोगों ने सब हलवा ले लिया था, इसका दिल बड़ा छोटा हो गया, और छोटा होकर इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा छोटे दिल के साथ इसने अल्लाह के सामने गिरिया जारी की। और जब गिरिया करने लगा तो अल्लाह की रहमत जोश में आई और उसकी मदद का सिलसिला शुरू हो गया। तो इसलिए क्या कहा गया कि हलवा फरोश जिस वक्त आए तो उस हलवा फरोश के साथ रहमतों का बरकतों का मामला होनी चाहिए, ये कहा गया है कि हलवा फरोश जिस तरीके से रोया तो अल्लाह की रहमत उतरी, तो बंदों के भी वह इल्लम तबकू फतबाकू, अल्लाह ताला कहते हैं रोना नहीं आता तो रोने की शक्ल बनाओ, रोना नहीं आ रहा है रोने की शक्ल बनाया करो, रोने की शक्लें अल्लाह जल्ला शानहु की तरफ से कुबूलियत के असबाब बन जाएंगे। तो अल्लाह ताला एक्टिंग को भी पसंद करता है। वइल्लम तबकु फतबाकु, ये कहा है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तुम्हें रोना नहीं आ रहा अल्लाह के सामने, कोई बात नहीं रोने की शक्ल बनाओ, तो वो शक्लों से अल्लाह ताला मगफरत कर देगा, वो शक्लों से अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। हालांकि अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है कि ये रोने की शक्ल बना रहा है, लेकिन वो शक्ल भी अल्लाह क्या मतलूब है, मकबूल है। इसीलिए उलमा इकराम फरमाते हैं कि हम लोगों को इस सिलसिले में कोशा होना चाहिए कि अल्लाह ताला किस किस बहाने से हमें मगफरत कर दे। आयशा सिद्दीका से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहकिरन मारूफन अबदन, अरे भाई किसी मारूफ को किसी नेकी को हकीर ना समझना, कोई नेकी हकीर नहीं है, हर नेकी अल्लाह के यहाँ मकबूल है, हर नेकी का अल्लाह के यहाँ कदर है, हर नेकी के अल्लाह के यहाँ वजन है। इसलिए फरमाया नेकियां ये लायजाल हैं, इनको कोई जवाल नहीं। लेकिन आपने फरमाया तुम लोग मुनाने वाली चीजों से अपने आप को बचाओ, जिसको मुहल्लिका कहा जाता है, हालिका, हालिका यानी मुनाने वाली चीज। फरमाया अल्लाह के रसूल मुनाने वाली चीजें क्या क्या है? आपने फरमाया मुनाने वाली चीज गीबत है, मुनाने वाली चीज गीबत है। हम लोगों ने खूब नेकी की, रमजान में कुरान पढ़े, तरावी पढ़े, खिदमत किए, खूब नेकियां जमा किए, लेकिन नफ्स उसने गीबत का आदि बना दिया हमें। और जब तक हम लोग गीबत नहीं करते हमें तसल्ली नहीं होती, हमें सुकून नहीं मिलता। तो हमने क्या किया, गीबत कर ली अनजाने में, हम चाहते नहीं थे गीबत करना लेकिन गीबत हो गई। तो क्या फरमाया, वो गीबत ने इनको तबाह व बर्बाद कर दिया। उसको अरबी में यमशी बिन नमीमा कहते हैं, यमशी बिन नमीमा यानी गीबत, इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना,
तो इसको हालिका कहा गया। ये तमाम नेकियों को मुड़ा देने वाली चीज है। अल्लाह ताला से ऐसी चीजों से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह से कहना चाहिए, अल्लाह मुझे ऐसी चीजें से पूरी पूरी हिफाजत फरमा जो मुझे हशर के मैदान मुफलिस बना दे। जैसा कहा गया, अतदरून मन मुफलिस, जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं? फरमाया, अल मुफलिस फीना या रसूल अल्लाह मल्ला दिरहम लहू वला मता। अल्लाह के रसूल, मुफलिस हमारे नजदीक वो है जिसके पास दीनार और दिरहम ना हो, उसे मुफलिस कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं, मुफलिस उसे नहीं कहते जिसके पास दीनार और दिरहम ना हो। मुफलिस वो है जो मैं याती यौमल कियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़का, जो कियामत के दिन बहुत सारे रोजे, बहुत सारी जक़ात, बहुत सारी नेकियां, बहुत सारे हज लेकर आए। वो यती कद शतम हाजा व ज़रब हाजा व अकल माल हाजा व सफ़क दम हाजा। लोग आ रहे हैं शिकायत करने वाले और आकर कह रहे हैं, क्या कहा उन लोगों ने कि इसने मुझे मारा। मजाक से भी नहीं मारना चाहिए, मजाक से भी किसी को नहीं मारना चाहिए, मजाक से नहीं छेड़ना चाहिए। इन्हें लंबू, इन्हें गिड्डू, इन्हें पतलू, इस तरीके से इन्हें नक्टा, इन्हें कालू, इन्हें लूलू, ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए। मजाक से भी मैं किसी को आड़ा नाम से मत पुकारा करो। अल्लाह ताला ने उसे मना फरमाया कि तुम आड़े नाम से मत पुकारा करो। वला यग्तब बादुकुम बादु, तो हम लोग आड़े नाम से पुकारे तो ये वो बंदा जिसको हम आड़े नाम से पुकार रहे हैं वो हमसे नेक हो जाए और हम उसके सामने बद हो जाए और फिर हम लोग गुनहगार हो जाए, इससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। ऐसी हरकतें मत करो जैसे सूरह हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इज्तनिबू कसीरन मिन अज़्ज़न, ऐ लोगो तुम लोग गुमान से बचो। आजकल सबसे बड़ी बीमारी गुमान की, हर एक के बारे में गुमान करना, इनो ऐसा इनो वैसा, गुमान, गलत गुमान, ये गुमान खत्म करो, ये गुमान ना खत्म करो। जितने गुमान हैं वो गुमान खत्म करो। गुमान बहुत बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है, हदीस पाक में अगर कोई किसी के सिलसिले में गलत गुमान करे, जब तक वो उस गुमान में मुब्तला नहीं हो जाता मरेगा नहीं। किसी के बारे में बुरा कहे, किसी के बारे में गलत बात कहे, किसी के बारे में गलत ऐब लगाए, गलत इल्जाम लगाए, उसमें मुब्तला होकर अल्लाह मौत देगा। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं तो ये कहता हूं भाई, शेख अपना अपना देख जो कहते हैं ये एक एतबार से नसीहत भी है, एक एतबार से तंबीह भी है। देखो कोई भी मुहावरा बेकार नहीं होता, बाज़ औकात में शेख अपना अपना देख का मतलब क्या होता है? शेख तो अपना अपना काम देख, तेरा काम देखते रहे, तेरा काम, तू तेरा काम देख, बस अपना काम देखते रहो, अपना काम देखते रहो, और जितना अपना काम देखोगे इतना तरक्की पाओगे। हमें जरूरत नहीं है किसी के सिलसिले में फिक्र करने की, किसी के सिलसिले में इधर उधर छेड़ने की, बोलने की, किसी के बारे में हम लोगों को इधर उधर बातें करने की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है भाई, बोलो क्या जरूरत? नहीं मैं ये पूछता हूं भाई, हमारा पेट के लिए हम खाते हैं, हमारी सेहत के लिए हम दवाई लेते हैं, हमें गर्मी होती है तो हवा ले लेते हैं, हमें सर्दी होती हो तो दवा ले लेते हैं,
हमारे कपड़ा हम पहन लेते हैं, लेकिन कई को जी खाला जान दुबले हो गए, क्या करूं बा गांव की फिक्र, कई को उम्मत की फिक्र करो। उम्मत देखो भाई एक बात सुनो, लोग क्यों समझते हैं उम्मत से मुराद सब उम्मत की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है, तेरे जिम्मे क्यों है भाई? क्या तो रहमतुल आलमीन है? तो रहमतुल आलमीन उलमा फरमाते पूरी उम्मत की जिम्मेदारी इस पूरी उम्मत पर नहीं है, हर एक की उम्मत का हुदूद अल्लाह ने बनाई अपनी अपनी सलाहियत के एतबार से। ये बात जरा तवज्जो से समझो, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई मुनकर देखे अपने हाथों से रोके फलयुगय्यिरहु बियदी वा इन लम यस्तती फबिलिसानी, अगर वो हाथ से नहीं रोक सका तो जुबान से, वो इल्म यस्तती फबिकल्बी, अगर वो जुबान से नहीं तो कम से कम दिल से यूं समझे जैसे अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सोच ले कोई ना कोई वक्त आएगा जरूर मैं इनको गुनाहों से बचाऊंगा, चाहे खुद या किसी आलिम के जरिए से, किसी दाई के जरिए से। पूरी उम्मत की जिम्मेदारी उलमा फरमाते हर एक की उम्मत के हुदूद है, आलिम है तो आलिम के हुदूद है। अरे भाई अंबिया को भी अल्लाह ताला इलाके के लिए भी मबूस किया, आलमी अंबिया बहुत कम है। हजरत नूह सबसे पहले आलमी है लेकिन उनके जमाने में आलम बहुत छोटा था। हजरत सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी आलमी है लेकिन इनका आलम बहुत वसी है। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, सरकार आलमी है क्या? आलम की आपने फिक्र फरमाई, आलम को नहीं गए, कहां गए आलम को? आलम को तक पहुंचने की तरगीब दी, आलम के तक पहुंचने की तरतीब बनाई, आलम तक पहुंचने की आपने तश्कील फरमाई। उलमा फरमाते हैं कि उलमा इकराम के जिम्मे है सलाहियत मंदों को सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल करना, खुद जाना जरूरी नहीं है, खुद जाना। हाँ अल्लाह ताला सलाहियत दिए जाओ, अगर सलाहियत नहीं दिए तो खुद के अंदर जितनी सलाहियत है उतना काम करो, महल्ले की सलाहियत महल्ले में काम करो, गांव की सलाहियत गांव में काम करो, इलाके की सलाहियत इलाके में काम करो, सूबे की सलाहियत सूबे में काम करो, पूरे हिंदुस्तान की सलाहियत हिंदुस्तान में काम करो। क्यों? ले सलील इंसान इल्ला मा सा, बिला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला हर एक को उनकी उसत के तबार से मुकल्लफ करता है। तो इसलिए ये बात कही गई कि अपने अपने मुकल्लफ के तबार से तुम लोग तकलीफ दिए गए हो, अपने अपने मुकल्लफ के तबार से तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। तकलीफ माला युता अल्लाह ताला कभी नहीं करता, यह नहीं है कि हर कसु ना कसु क्या है, नहीं भाई हमें आलमी नबी की उम्मती, आलमी नबी की उम्मती करना काम कहां? कु अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, तू तुझे अपने आप को अपने घर वालों को बचाने की पहली जिम्मेदारी है। अगर तू अपने आप को और अपने अहले घर वालों को बचाते बचाते जिंदगी खत्म हो गई, अल्लाह ताला तुझे पड़ोस के बारे में नहीं पूछेगा। अल्लाह से तू यूं कह सकता है या अल्लाह मेरे जिम्मे मेरा घर था, मेरे घर को मैं बचाते 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 दुनिया सुरक्षित हो गया, ये कह सकते हैं। ये कह रहे हैं तुम्हें आलमी, हर हाल में आलम में फिरना, घर बेच को जाओ जमीन बेच को जाओ, हाँ हिमाकत है हिमाकत, इसे कज फहमी कहते हैं। कज फहमी यानी सही इन्होंने दीन को नहीं समझा, इसीलिए कहा जाता है पहले दीन को समझो। अल्लाह 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 के रसूल ने फरमाया मैं युरीदिल्लाह बिही खैरन, अल्लाह जिसे जिसके साथ खैर का अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है, फलयुफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह उसे दीन की समझ देते हैं, नहीं तो बावला बन जाएगा, नहीं तो बावला बन जाएगा, बावला पागलों की तरह बकेगा, दीन को समझा नहीं और समझाने लगा, दीन को समझानी खुद भी गुमराह हुआ और सबको गुमराह करने लगा। इसलिए कहा पहले समझो, तुम्हारी ताकत कितनी? अरे भाई
नमाज में अल्लाह ताला तकलीफ माला जो तक नहीं करता। अरे भाई तू खड़ नहीं सकता, नहीं करता, बैठ जाओ। अभी बैठ नहीं सकता, नहीं, लेट जाओ। तो क्या अल्लाह ताला पूरी उम्मत की जिम्मेदारी किसी इंसान पर डाल देगा? तू सबसे पहले उम्मत का खिताब अपनी जात से है। इसीलिए मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा करते थे, जब कभी नसीहत करने का मौका है पहले अपने आप को नसीहत करो, समझाने का मौका है पहले अपने आप को समझाओ। क्यों? इस वक्त तुम नए नए दावत में लगे हो, नए नए काम में लगे हो, नए नए दीन को समझे हो, नए नए नमाजी बने हो, तो सबसे पहले शरीयत के हुक्म का मुकल्लफ तुम हो। तुम सबसे पहले अपनी जात को शरीयत के लायक बनाओ, शरीयत के काबिल बनाओ। अपनी जात को जिस वक्त बना दोगे, बाद में जाकर आप दूसरों की तरतीब बनाना। अपनी जात कुछ बनाए नहीं सुन्नत के मुताबिक। अभी जनाबे वाला नमाजी बन ही रहे थे, माशाल्लाह आलमी बन गए। अभी अभी नमाजी बने, आलमी बन गए। अरे भाई सबसे पहले तो नमाज पे इस्तेकामत ला, खुद लाओ और पूरे अपने घर वालों को नमाज पे लाओ, फिर रोजे पे लाओ, सुन्नतों पे लाओ, जिक्र पे लाओ, तिलावत पे लाओ, हलाल पे लाओ। जैसे अजीब वाकया है, हजरत उवैस करनी मशहूर ताबेई में से है, जिनकी पेशनगोई सरकार ने अता फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुक्म दिया हजरत उमर को कि आप उवैस करनी से दुआ कराएं। हजरत उवैस करनी से दुआ कराएं तो हजरत उवैस करनी के पास हजरत उवैस करनी के हर मौसम में हज में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ऐलान करते थे, अरे भाई कोई है तुम में उवैस, कोई है तुम में उवैस? मिले तो फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में तुमसे दुआ कराने का हुक्म दिया। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह अकबर क्या मकाम है हजरत उमर का। हजरत उमर के लिए दुआ करवाने का हुक्म दिया गया है हजरत उवैस करनी, तो हजरत उवैस करनी का क्या मकाम होगा? सोचने की बात है ना भाई। उतने बड़े मकाम वाली शख्सियत अपने शागिर्दों के साथ निकली तो बहलूल के इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने पूछा भाई बहलूल कहाँ है? तो लोगों ने कहा अगर वो एक पागल इंसान है, उसके बारे में आप क्यों पूछते हैं, उसके बारे में आप क्यों पूछते हैं? नहीं, मुझे मिलना है बहलूल से। तो अब तलाश करते गए बहलूल एक जगह पर मिले। तीन सवालात में अजीब व गरीब नसीहत बहलूल ने फरमाई, उसमें से एक मैं बताता हूँ अभी फिलहाल। तो बहलूल के पास गए और बहलूल से मिला, गांव के किनारे पे थे। कहा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहा वालेकुम अस्सलाम। पूछा कौन हो? कहा मैं उवैस करनी हूँ। अच्छा उवैस करनी, अच्छा कहला, अच्छा बताओ, अच्छा बताओ तुम सबके पीर बनकर फिर रहे हो, सबके उस्ताद बनकर फिर रहे हो, सबके शेख बनकर फिर रहे हो, ये सब मुरीदीन तुम्हारे सामने फिरते रहते हैं, जरा ये बताओ खाने के आदाब भी जानते हो? नहीं। कहने लगे जी जानता हूं। जानते हो? कहने नहीं तुम नहीं जानते। जी जानता हूं। कहा नहीं 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 जानते। कहे जी जानता हूं। अच्छा बताओ क्या है खाने के आदाब? तो उन्होंने खाने के आदाब बताए। मैं खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर खाता हूं, खाने से पहले दोनों हाथ अच्छी तरह धोता हूं, दस्तरखान बिछाता हूं, छोटे छोटे लकमे बनाकर अच्छी तरह चबाकर खाता हूं, अल्लाह का जिक्र करता हूं, अल्लाह का शुक्र करता हूं, इकराम के साथ खाता हूं, और दस्तरखान पर सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाता हूं, और हर लुक्मे को
अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह इस लक्मे को तो मेरे हक में नाफे बना दे। उन्होंने आदाब एहतराम बयान किया तो फरमाया फिर का दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, दोनों हाथ अच्छी तरह धोता हूँ, बरकत ताम वजू कबल वजू बाद सब आदाब एहतराम बयान फरमाया। तो फरमाया तुम तो कुछ नहीं जानते। तीन सवालात के बाद आखिर में हैद हुए सकनी ने कहा बहलूल शागिर्दों को बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्या हमारे हजरत को क्या भी नहीं जानते, बोल रहे ना एक नादान इंसान इतने बड़े अल्लामा फहामा मुस्तजाबुद दावात मकबूल शख्सियत मशहूर शख्सियत इसको कह रहे तुम कुछ नहीं जानते तुम कुछ नहीं जानते तुम कुछ नहीं जानते। तो कहने लगे कुछ नहीं जानते या कुछ नहीं जानते कुछ नहीं कहा नहीं कुछ नहीं। अच्छा बता दो आप क्या है आदाब ताम। तो बहलूल कह लिए सबसे पहले खाना खाने से पहले ये देखना चाहिए ये खाना हलाल है या हराम। तुम तो उसे बयान किए ही नहीं छोड़ दिए। सबसे पहले देखना चाहिए खाना हलाल है या हराम, ये खाना किस हद तक किस रास्ते से आया है किस 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 कमाई से किन किन राहों से गुजर कर आया है। सबसे पहले इसकी तमीज होनी चाहिए, इसकी तो तमीज तो तुम्हारे अंदर है नहीं। फरमा लीजिए बहलूल तुमने सच कहा बिल्कुल सच कहा, इसीलिए उनको बहलूल दाना कहते हैं। रहते तो थे वो पागलों की तरह मजजूब की तरह लेकिन बहुत बड़े दाना थे। तो खाने के आदाब में पहला आदाब खाना पहले देखो ये हलाल है कि हराम, तो ये सिखाया बहलूल ने। तो हिकमत की बातें जिस किसी के पास मिल जाए उसे फौरन ले लेना चाहिए। अलैकुम बिमजालिसिल उलमा वस्तिमाइ कलाम बातें सुना करो, मुर्दा दिलों को उनकी बातों से ऐसी हयात मिलती है जैसे बंजर जमीन को बारिश से हयात मिलती है। जमीन बंजर हो जाती नहीं हो जाती, बारिश होती है तो उसे क्या मिल जाती है हयात, बिल्कुल ग्राउंड प्ले ग्राउंड हो गया। बारिश हुई नेक्स्ट टाइम गए तो गार्डन हो गया। अरे प्ले ग्राउंड गार्डन कैसे बना, मुर्दा हो गई थी जमीन, लोग के खेल रहे थे क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड बना लिया लेकिन जमीन ने पानी कबूल किया। कुछ दिनों के बाद आप गए तो माशाल्लाह बेहतरीन घास उगे हुए। तो इस तरह के मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं किसके जरिए से, उलमा और हुकमा की बातों से नसीहतों से। इसलिए गौर से सुनने का हुक्म दिया गया। हजरत लुकमान हकीम बैठकर बयान कर रहे थे, एक इंसान का गुजर हुआ, कहो लुकमान जी, अरे तू वो गुलाम वही तो गुलाम है तू, कहा जी वो काला कलोटा फला, कहा जी 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 मैं वही गुलाम हूं। गुलाम थे लुकमान हकीम। लुकमान हकीम की हिकमत की बातें ऐसी हिकमत की बातें अल्लाह उसको नकल कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए लुकमान हकीम कायनात में अगर किसी को अल्लाह ताला ने वली होने के बावजूद नाम लिया है तो लुकमान का लिया है। इसलिए लुकमान अलैहिस्सलाम के नबी होने में इख्तलाफ है, किसी ने नबी कहा किसी ने वली कहा। अपने बेटे को उनकी नसीहतें बड़ी मशहूर नसीहतें लुकमान हकीम की नसीहतें। पूछा अरे लुकमान जी तुम्हें इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, आज तुम बोल रहे हो लोग सुन रहे हैं मकाम कैसे मिला। हज़रत लुकमान कहने लगे कम कम गुफ्तार से, बेकार गुफ्तगू करने का मैं आदी नहीं था, मैं बोलता था तो कम बोलता था, इतना बोलता था जितना बोलना चाहिए था, बेकार नहीं बोलता था। तो जिस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया है तो हम लोगों को भी इस बात का अज़्म मुसम्मम करनी चाहिए कि हम कम गुफ्तार हों। उलमा फरमाते जो कम बोलता है अल्लाह ताला यंबउ मिनहु
علوم الحكم ينبع منه, اس کے اندر سے چشمے پھوٹیں گے علوم و حکمت کے. اس لیے گناہوں سے بچنا اور کم بولنے کی عادت ڈالنا, پٹ 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 زیادہ بولنے سے آدمی بہت زیادہ بولتے بولتے گنہگار بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اللہ نے فرمایا خامخواہ جاسوسی مت کرو. نہیں, یہ بازو گھر کے میں کیا ہو رہا اسے جاسوسی کرنے کی ذمہ داری تم نے دی ہے کیا؟ تجھے کو سراخہ میں جھانک لے گھس ہو, بازو گھر میں کیا آیا, بازو گھر میں کیا نہیں آیا, بازو گھر میں کیا ہو رہا, بازو گھر میں کیا, کون آ رہی کون جا رہی. ہر ایک کی قیمت کی ترتیب الگ الگ. بازو گھر کی بہو کیا ڈال تم نہ کہی کو, جی انہیں کیا ڈال لے کا ہی کیا لے لو کا ہی تم نہ کہی کو. وہ نہیں پوچھے گو تو پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے کیا؟ بازو گھر میں کون کون آ کوئی ان کے نکاح میں کہ ہم نہ کہی کو بھائی, ہم نہ کہی کو بولو. نہیں اس کے ذریعے سے کہتے ہوئے مفرت کا اعلان ہونے کا ہے کیا؟ نہیں اس کے ذریعے سے کہتے ہوئے پروان چڑھنے کا ہے؟ ہم نہ ضرورت نہیں سے بات ہو. بعض لوگ اڈریس پوچھتے رہتی وہ نہ معلوم کیا گاؤں گلی والے بول مجھے کہ ہم نے کیا پوسٹ مین کیا ہم سب جنے جاننے کے واسطے پوسٹ مین نے انہوں کون انہوں کون سب کو جان کر رکھنے کے واسطے پوسٹ مین کیا بھائی؟ شیخ اپنا اپنا دیکھ کر تو انہوں کا کام کر لیا, خاموش چلتے رہنا. سو ہمیں سو جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی بول کو نہیں رہنا, جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی. ضروری کیا وہ ہر ہنڈی میں منڈی؟ تو اس کو فرما ولا تجسسو, جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اللہ اکبر, غیبت مت کرو بعض بعضوں کی غیبت. قرآن منع کرتا ہے بھائی, قرآن منع کرتا ہے. اللہ ہمیں منع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ, جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم. جی ہم کیا جانے, اللہ رسول جانے. فرمایا اذا ذکرت اخاک بما یکرہ فقد اغتبتہ, فرمایا وہ اپنا بھائی جو پسند نہیں کرتا وہ اگر تو بیان کرتا ہے تو یوں سمجھ کے تو نے اس کی غیبت کی. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول کیا خیال ہے آپ کا, ان کان فی اخیہ ما اقول, جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ عیب اس کے اندر ہو تو بھی؟ تو فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے, اگر وہ چیز نہیں ہے پھر بھی تم کہہ رہے ہو پھر تو اسے بہتان کہا جائے گا, تو اسے تو بہتان کہا جائے گا, بہتان عظیم. یوسف علیہ السلام پر جو لگایا گیا اس کو قرآن نے کیا کہا؟ بہتان عظیم. اس نے فرمایا بڑا تجسس. اگر کرتے ہیں تو کیا ہے, جیسے کہ رمضان مبارک میں پیٹ میں درد عورتوں کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں کو لایا گیا, اے پیٹ میں درد. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا پیٹ میں درد کیا؟ جی ہاں. اچھا ان کو کہو کہ قے کریں, تو یہ قے کی تو تازہ گوشت نکلے, تازہ گوشت خون کے ساتھ. فرمایا ان دو عورتوں نے غیبت کی ہے. اللہ نے بتا دیا, یہ جو مثال یہاں پر ہے یہ برائے تمثیل نہیں حقیقت ہے. کسی کو بٹھا دے کھاؤ اس کے مردار کا گوشت, کھائیں گے؟ اسی طرح کسی کی غیبت ہم نہیں کرا, ضرورت نہیں. سو سات جگہوں پر غیبت حلال ہے, گیارہ جگہوں پر غیبت حلال ہے. تو غیبت حلال کہاں ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہے. ایسی غیبت جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ نے اس کے ذمہ دی ہے وہاں پر غیبت کرنے کی اجازت ہے, اصلاح کی ذمہ داری اس کے ذمہ دی ہے.
जैसे बेटे की गीबत बाप के सामने, जैसे कि बेटे की गीबत बाप के सामने, बाप के जिम्मे है उसकी इस्लाह, शागिर्द की गीबत उस्ताद के सामने, मुलाजिमीन की गीबत जिम्मेदारी के सामने, मुलाजिमीन के सिलसिले में कोई बात आ गई तो जिम्मेदारों से जाकर कह दिया भाई इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। बीवी की गीबत शोहर के सामने, भाई तेरी बीवी ने ऐसी की वैसी की, क्यों ये इस्लाह? बाज मरतबा शोहर की बातें बीवी के सामने, क्यों? वो उम्र का ताल्लुक उनसे है। तो ये जो गीबतें हैं इन गीबतों को गीबत नहीं कहते। जैसे अवाम के अकायद की सिलसिले में कमजोरियां बताना उलमा के सामने, इलाके की गीबत इमाम, और उसे गीबत नहीं कहते, उसे कहते हैं इसे कहते हैं बीमारी बताना, ऐसा जैसे डॉक्टर के सामने बीमारी बताना गीबत है। हमारे भाई को बुखार है, लाहौल लाखवा क्या जी गीबत कर रही, अरे मेरे बेटे को बुखार है बोलना गीबत है, मेरे बेटे को फुंसनी आ गई बोलना गीबत है, फोड़े निकल रही बोलना गीबत है, जुलबा हो रही बोलना गीबत है, डॉक्टर के पास आकर दाढ़ी में दर्द है बोलना गीबत है। जिस तरह वहां गीबत नहीं, वहां पर जब तक कमजोरी की कमजोरी का इजहार नहीं करोगे इलाज कहां से होगा? जिस तरह वो गीबत नहीं, इसी तरह ये भी क्या नहीं है, गीबत नहीं। इसलिए मना किया गया भाई इन तमाम चीजों को गीबत में शुमार करो, इन तमाम चीजों को इस्लाह में शुमार करो। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ताला रमजान मुबारक आरजी निजाम बनाया है हमारी इस्लाह के लिए, और इस आरजी निजाम में हम लोग दायमी तरबियत पाते हैं। तो इसमें रोजा रखवा कर गीबत का भी रोजा रखो ताकि इस निजाम में शामिल हो जाओ। ला अन याकुल लहम अखीह मैतन फकरहतुमु, जिस तरह तुम मुर्दार का गोश्त खाना पसंद नहीं करते इसी तरह इससे भी बचो। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाब रहीम, बस अल्लाह से डरो और जो कुछ पिछली गलतियां हो गई उन गलतियों से माफी मांगो। अल्लाह बंदों की तरह मुतवज्जो होता भी है और रहम भी करता है। बहुत कम अल्लाह की बंदियों के सिलसिले में कारगुजारियां मिलती हैं कि हजरत ये बंदी ने कभी किसी की गीबत नहीं की। तो गीबत न करने वाली बंदियां बहुत कम, उंगलियों से हम गिन सकते हैं। माशाल्लाह ऐसी भी अल्लाह की बंदियां हैं जिन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा भला अपनी जिंदगी में नहीं कहा। इसीलिए कहा किसी के बारे में बुरा गुमान भी मत करो, गुमान करने का किसी को हक नहीं है। गुमान करोगे जिस आयब में वो मुब्तला है उसी आयब में तुम मुब्तला कर दिए जाओगे मरने से पहले पहले, इसलिए गुमान से महफूज। जब आपके जिम्मे उनकी इस्लाह की जिम्मेदारी नहीं है आप क्यों उनके सिलसिले में चिंता करते हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? इसीलिए मैंने कहा भाई आलमी नबी के आलमी उम्मत का मतलब क्या है, इसकी मैंने वजाहत कर दी। तेरी हैसियत तेरी जात की इस्लाह करने की जब नहीं है तो आलमी नहीं है, तो पहले तो अपने आप की इस्लाह कर। क्यों? पेशेंट डॉक्टर नहीं बन सकता, पेशेंट डॉक्टर नहीं बन सकता। पेशेंट को क्या काम है? पेशेंट को अपनी बीमारी दूर करने की जिम्मेदारी है, तो पहले अपनी बीमारी को दूर कर। इंशाल्लाह इस सिलसिले में अल्लाह ताला हमें शरीयत को सही समझ अता फरमाए, सही फहम अता फरमाए, और अल्लाह अपने फजल व करम से हमें शरीयत को सही दीन समझकर सही अपनाने की तौफीक। कुछ सवालात हैं, वो सवालात के सिलसिले में आप हजरात के सामने अर्ज हैं। तरावीह में तरतीब से सूरा पढ़ना चाहिए? जी हाँ, तरतीब से सूरा पढ़ना चाहिए। तरतीब से मुराद मिसाल के तौर पर आप एक सूरा छोड़कर आगे सूरे में पढ़ना मकरूह लिखा है, दो सूरा छोड़कर आप पढ़ सकती है, कोई हर्ज नहीं।
एक सुरा छोड़कर पढ़ने को मकरू लिखा है, दो सुरा छोड़कर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप तरतीब से जानते हैं तरतीब से पढ़िए, तरतीब से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे का सवाल है, रोजे की हालत में असर की नमाज के बाद गुसल कर सकते हैं? अगर आप पर वाजिब हो गया गुसल तो की कर सकते हैं, या इंतहाई बेचैनी बेकरारी हो रही है और आप बहुत बेकरार हो रहे हैं तो कर सकते हैं? चुप, ऐसे ही ठंडी हासिल करने के लिए गुसल करने को मकरूह करार दिया। मैं रोजे में, देखो हमेशा याद रखो, रोजे में हमारी कुर्बानी ही यही है कि हम प्यासे रहें, भूखे रहें, हम अपने आप को थकाएं, अपने आप को हम अल्लाह के सामने थका कर पेश करें, अल्लाह मेरी यह हालत है, यह हालत सिर्फ तेरे हुक्म की ताबेदारी की वजह से हुई है और मैं इस पर राजी हूँ और इससे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी मफ़रत करेंगे, मेरे दर्जात बुलंद करेंगे, मेरे गुनाह माफ़ करेंगे। तो यही हालत तक तो अल्लाह को पसंद है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम खुशबूदार घास खाकर पहुंच गए, अल्लाह ने फरमाया, अरे भाई ये क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, जो रोजे की हालत है उसी हालत में आओ। फिर 10 रोजे का इजाफा हो गया, हालांकि 30 ही रोजे थे, 10 रोजे का इजाफा हो गया। तो उलमा कहते हैं 30 ही रोजे असल, और हम लोग दीगर जो रोजे हैं वो तमाम रोजे हमारे रोजे की तलाफी है, जो कुछ कोताहियां हमसे हो गई हैं। तो ये जो अल्लाह के तरफ से हुआ है, ये जैसे बाद ने क्या कहा, बाज ने ये फरमाया भी असर के बाद की जो हालत तुम्हारी होती है उस हालत में तुम दुआ में, तुम जिक्र में, फिक्र में लग जाओ, अल्लाह ताला के तरफ से कबूलियत की खड़ी है। ज्यादा जरूरत है वसूल कर सकते हैं। हमारे घर के बड़े लोग कहते हैं कि रोजे के हालत में असर के बाद सुनने का, मैं इसकी वजाहत कर दिया। अगला सवाल है, थोड़ी देर के लिए एतकाफ की नियत कर लेना तालीम में बैठने के वक्त एक नमाज से दूसरे नमाज तक, क्या इसकी इजाजत है? इजाजत नहीं है, सिर्फ मस्जिद में इसकी इजाजत है। हजरत हनाफ ने मस्जिद में जो लोग आते हैं, बैठते हैं, जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनके लिए वक्ती एतकाफ की इजाजत दी है मस्जिद में। सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुरूर पर भी एतकाफ की इजाजत दी है। अगर कोई एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल रहा है तो उस वक्त में एतकाफ की नियत कर लिया तो इमाम साहब के नजदीक एतकाफ का सवाब उस बंदे को भी मिलेगा। उसके अलावा किसी भी इमाम के नजदीक एतकाफ का सवाब नहीं मिलेगा। तमाम अइम्मा कहते हैं एतकाफ बगैर रोजे के हो ही नहीं सकता। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये एक नफली एतकाफ है, ये बगैर रोजे के वक्ती तौर पर मस्जिद में रहना, मस्जिद में रहने का जो हुक्म दिया गया, मस्जिद में आने की जो फजीलत है, उस फजीलत पर ये बंदा अगर रहने की नियत कर लेता है तो उसे सवाब मिल जाएगा। तो मस्जिद में जाने वालों के लिए इजाजत है और जो घर में है उनको इजाजत नहीं है। 2 लाख पर 8,000 किराया है और 3 लाख पर 10,000 किराया है, तो क्या इस पर ज़कात है? पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो घर है वो घर कितने रुपए का किराए का मकान है, उमूमन उस घर का किराया क्या है, पहले ये देखा जाएगा। अगर वो घर का किराया मिसाल के तौर पर 16,000 रुपए है और आपने 2 लाख रुपए देकर 8,000 रुपए कम कर लिया, और आप 8,000 रुपये किराया दे रहे हैं, तो गोया आपका जो एडवांस है वो 80,000 रुपये हो गया असल एडवांस, और उसके ऊपर जो रकम है उस रकम पर आपको जकात देना होगा।
असल ये छोटा सा फ़र्क है, इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, ये छोटा सा फ़र्क है। यानी अगर कोई 2 लाख रुपए देकर 8,000 रुपए, तो ये छोटा सा फ़र्क है, इतना लंबा फ़र्क नहीं, इतना बड़ा मसला इसमें खड़ा नहीं होगा। फ़र्क वहाँ पर आता है जहाँ पर 5-10 लाख रुपए देकर 2,000 रुपए किराया दे रहे हैं, वहाँ बड़ा फ़र्क आ जाएगा। इसलिए कि वो मकान 25,000 रुपए का है, ये 2,000 रुपए दे रहे हैं, तो तब बड़ा फ़र्क आ गया। तो ऐसे मौके पर 7.5 लाख रुपए का उन लोगों को ज़कात निकालना होगा। जो नॉर्मल उसका एडवांस है, वो एडवांस माइनस करने के बाद जो जायद अज एडवांस है, उन सब पर बाकायदा उसे ज़कात देना होगा। सवाल यह है कि औरतों को गर्दन का मसाह करना है या नहीं। मसाह भाई, ये तो वजू के सुन्नतों में से है, वजू के मुस्तहबात में से है, तो वजू के मुस्तहबात में से होने की वजह से करना चाहिए। मस्तूरात भी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, गर्दन पर मसाह कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाल बढ़ने के लिए नीचे कट करना कैसा है? आप देख लीजिए, बाज मरतबा 2 धारी वाले बाल निकल जाते हैं बालों में, वो 2 धारी वाले बाल निकल गए तो फिर बालों का 2 चीरी होना शुरू हो जाता है, फिर बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मौके पर उस बाल को कट कर सकते हैं, लेकिन पूरे बाल को नहीं, उस बाल को कट कर सकते हैं जो बाल 2 धारी वाले हो जाएं, जो बाल के बढ़ने में, वो हुक्मा से आप पूछ लीजिए, डॉक्टरों से पूछ लीजिए। अगर डॉक्टर बता रहे हैं भाई ये बाल कट कर लो, तो ऐसे मौके पर वो कट कर ले ताकि बाल बढ़े, शो के तौर पर नहीं, इलाज के तौर पर। अगला सवाल है, सूरह फातिहा का जो 40 दिन का अमल है, अगर ला सलात हो जाए तो क्या करना चाहिए? बिला सलात हो जाए, अगर नमाजों की हालत में ना रहें, तो ऐसे मौके पर उनको चाहिए कि वो तोड़ तोड़ कर पढ़ लें दुआ की तरह, तब सूरह फातिहा सूरा नहीं रहेगी बल्कि सूरह फातिहा दुआ हो जाएगी। कैसे पढ़ें? अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसा तोड़ तोड़ कर, जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, इलाज के तौर पर पढ़ें तो तब वो, अगर ऐसा है तो ऐसे मौके पर मैं अक्सर यूँ कहा करता हूँ, जो पढ़ने वाले हों घर में तो उनसे कहें कि तुम पढ़ो मैं सुनती हूँ, दुआ में शरीक हो जाए, तो कोई और पढ़े और ये सुने। अगर घर में कोई ना हो ऐसे मौके पर तोड़ तोड़ कर पढ़ लें, अगर घर में कोई हो पढ़ने वाले तो ऐसे मौके पर वो पढ़ें और ये सुने। और इसका अमल तहज्जुद में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा सबसे ज़्यादा असर तहज्जुद में पढ़ने पर होता है, सबसे ज़्यादा हर अमल, जो भी अमल करने के हों, जो भी औराद व वज़ाइफ हों, जो भी दुआएं हों, जैसे कि सूरह तगाबुन पढ़ने कहा जाता है लाइलाज बीमारी को, अगर कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उनसे अकाबिर यूँ फरमाते हैं कि 40 मरतबा सूरह तगाबुन की तिलावत करें, 40 मरतबा। अब वो जो 40 मरतबा सूरह तगाबुन की तिलावत है, वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा उस वक्त में जब तहज्जुद का वक्त हो, इसलिए कि तहज्जुद के वक्त में दुआओं की कबूलियत भी, दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, तो उस वक्त में खूब दुआएं करें, अल्लाह से मांगें और अल्लाह ताला से उस वक्त में दुआ में दिल लगा कर अल्लाह से शिफात मांगें, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह उस वक्त का अमल, या मैं यूँ कहता हूँ कि कम से कम 3 मरतबा बेचालीस मरतबा में 3 मरतबा कम से कम रात को पढ़ लीजिए, बकिया दिन भर आप पढ़िए, 40 मरतबा रात में नहीं पढ़ सकते तो आप 3, ये सूरह तगाबुन के बारे में कह रहा हूँ। इस तरह दीगर तमाम मामलात में भी इसकी तरतीब बनाएं, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें शरीयत को अमल की तौफीक अता फरमाए, आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वलक शुक्र, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء الصراط. يا الله هم سبقي بناهم كما فرما خطايا صدر گزر فرما، بقیہ زندگی رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحم کا کرم کا عفو کا درگزر کا معاملہ فرما، ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں کو کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں ان اعمال کو شرف قبولیت سے نواز کر. یا اللہ ہر ایک کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما. یا اللہ ہندوستان کے حال میں امن پیدا فرما، مسلمانوں کے ساتھ رحم پیدا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ بلند فرما، مسلمانوں کے اندر ہمت بلند فرما. یا اللہ جو بھی جہاں بھی حالات آ رہے ہیں وہاں ہمارے اکابر کا جو منشا ہے اس کے مطابق یا اللہ تمام ایمان والوں کو ڈھلنے کی ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسلم ما كان فاسدا برحمتك يا رب.